हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 और प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली ईआरपी 9 और प्राइम को लेकर के। तो चलिए, अगर आपका पेमेंट ड्यू है और अगर आपको पेमेंट रिसीव भी करना है, मींस कि रिसिप्ट वाउचर में जो एंट्री पास करते हैं सेल्स करने के बाद आप, तो वो जो है पेमेंट आपको रिसीव होता है, तो कितना पेमेंट रिसीव करना है, सारी डिटेल आपको कहां से मिल सकती है, आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए समझते हैं, इसका आप पूरा डिटेल जानते हैं। तो सबसे पहले टैली ईआरपी 9 की बात करते हैं और अब हमें जाना कहां है, जहां से जाकर के हम पूरी रिपोर्ट देख पाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कहां जाना है, इसके लिए हमें सबसे पहले जाना है डिस्प्ले पर। जैसे ही आप डिस्प्ले पर जाते हैं तो यहां बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन यहां पर हमें क्या देखना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाना है। ये जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, इसके लिए आप एस प्रेस कर दीजिए और यहां पर नजर आएगा आपको आउटस्टैंडिंग। तो यहां पर रिसीवेबल देखिए, रिसीवेबल में कोई भी एंट्री नहीं है। यहां पर 1 अप्रैल 2021 डेट पड़ी हुई है और रिसीवेबल में कोई भी एंट्री आपको दिख नहीं रही है। यहां से ऑल्ट एफ टू करके आप डेट चेंज भी कर सकते हैं, 3/2022 तक की पूरी रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर रिसीवेबल में कोई एंट्री नहीं है, क्या पेएबल में कोई एंट्री है? तो पेएबल यानी पेमेंट वाली जो एंट्री है, जो कि आप परचेस करते हैं तो पेमेंट करना होता है, तो यहां देख सकते हैं, यहां पर पेंडिंग अमाउंट आपको शो करेगा, ठीक है। और यहां पर आपको ड्यू डेट भी देखने को मिलेगा, तो यहां पर ड्यू डेट 0 दिखा रहा है यहां पे, यानी कि आप सेम डेट में हैं, इसीलिए ये 0 दिखा रहा है। आप यानी कि डेट चेंज करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 4 से लेकर 31/3/2021 और ये 22 मैंने कर दिया है। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां जो है ड्यू डेज 364 डेज आ गया है। तो समझ सकते हैं कि जिस डेट पर आप परचेस किए होंगे उस डेट से कितना दिन एक्स्ट्रा जा रहा है, ये इसे कहते हैं ड्यू डेट, ठीक है। अब ये तो हो गई टैली ईआरपी 9 की बात। अब यही चीज प्राइम में कहां दिखती है वो दिखाता हूं आपको। तो ईआरपी 9 को हम मिनिमाइज कर लेते हैं और प्राइम को ओपन करते हैं। तो ये देख सकते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के लिए डी प्रेस कीजिए और यहां से आपको दिखेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो इसके लिए एस प्रेस कर सकते हैं और आउटस्टैंडिंग में चले जाइए। रिसीवेबल अगर है तो दिख जाएगा, अदरवाइज डेट चेंज कर सकते हैं। पेएबल को देख लेते हैं, तो यहाँ काफी सारा पेएबल दिया हुआ है और यहाँ पर आपको ड्यू डेट भी दिख रही है। आई होप की बात समझ में आई होगी कि आप ये पूरा रिकॉर्ड कहाँ से जाकर के देख पाएंगे। पेएबल तो हमने देख लिया, अब हम रिसीवेबल की बात करते हैं। इसमें रिसीवेबल वाली कोई एंट्री है नहीं, तो हम चलते हैं सीधा वाउचर में, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं सीधा F8 प्रेस करके सेल्स वाउचर में, तो कुछ सेल करते हैं। तो हमारे पास डेटर पार्टी मौजूद है, ये जो डेटर पार्टी है इसी को हम सेल करेंगे। तो ये एंटर प्रेस किया और फिर इसको भी एंटर प्रेस कर लेते हैं। यहां पर हमने वेट लगा रखा है, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं, सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा। यहां पर हम जो भी प्रोडक्ट हमने रखा है उसको हम सेल करते हैं। लाइक यहां पर न्यू कॉलोनी गोडाउन से 183 आइटम कीबोर्ड के हैं, 181 आइटम हम सेल कर दे रहे हैं, ठीक है। 780 रुपए है रेट, और बढ़ा देते हैं 800 का कर देते हैं, ठीक है। तो 800 का एक हो गया और यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो गोडाउन है वहां पर 101 रखा हुआ है, तो यहाँ से 101 का 101 उठा लेते हैं पूरा और यहाँ पे ये हम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अगर हम वैट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे वैट लगा दिया हमने, ठीक है। अगर जीएसटी आपने लगाया है तो जीएसटी भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे न्यू रेफरेंस कर देंगे और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहां से हम बाहर आ जाते हैं, ये तो हमारी एंट्री हो गई पूरी, ठीक है। दो बार डी प्रेस करेंगे, यहां पर हमको वो एंट्री दिखाई पड़ेगी, ये वो एंट्री है। अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो ऑल्ट पी करके प्रिंट निकाल लीजिएगा। फिलहाल हमें प्रिंट तो निकालना नहीं है, अब हमें देखना है कि रिसीवेबल आ रहा है या नहीं। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे चलते हैं टैली प्राइम में, एंटर प्रेस करते हैं। अब ये रिसीवेबल पे जाते हैं तो आपको सीधा सीधा ये दिखाई पड़ेगा। आप चूंकि सेम डेट पर है तो यहां से आपको रिसीवेबल, यहाँ पे जो ड्यू डेट दिया हुआ है ओवर ड्यू डेट, तो ये जो है 0 दिखाई पड़ रहा है। अगर आप डेट चेंज करते हैं ये ड्यू डेट चेंज हो जाएगी। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।